मेरी अपनी कोई कहानी नहीं थी, मैं किसी भी कहानी में नहीं था, लेकिन सब मेरी कहानी में थे। मेरा काम ही था कहानी कहना। मैं आपकी कहानियों में थोड़ी देर के लिए आता था। ये कहानी उन हारे हुए लोगों की है जो अपनी अपनी कहानियां कह नहीं पाए या कहने से पहले ही चले गए दूर किसी अनजान दुनिया में एक लड़ाई लड़ने जो उनकी थी ही नहीं, जिसके लिए वो बने ही नहीं थे। चले गए उनके साथ रहने जिनके साथ उन्हें रहना ही नहीं था। चले गए उनके साथ बहुत दूर चलते चलते जिनके साथ वो कभी चलना नहीं चाहते थे। वो बस चलते चले गए अपने ही लिखे कई पन्नों को हवा में उड़ाते हुए, और मैं उनके पीछे भागता रहा, बटोरता रहा वो कहानियां, उन्हें बुना उन्हें कहा अपनी कहानी कहकर, क्योंकि मेरी कोई कहानी नहीं थी। अपनी कहानी का ना होना बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे अपने सपनों के घर का सपनों में ही ढह जाना और तमाम उम्र उसके मलबे तले दबे रहना। मैं तमाम उम्र उस मलबे पर ही नक्काशी करता रहा, इस आस में कि एक रोज मैं दुनिया का सबसे बड़ा नक्काश हो जाऊंगा। लेकिन एक रोशनी जो उस मलबे में अंदर आई, एक उम्मीद जिसने मेरे पैरों में बंधे सारे बंधन तोड़ दिए, जिसने मुझे उस मलबे में दबकर मरने नहीं दिया। मैं था दुख में पड़ा, था अकेला खड़ा, फिर अचानक से उम्मीद की एक किरण सीधे खिड़की से दिल में उतरने लगी। खुद पे इतना भरोसा और इतना यकीन थे, जो बादल गमों के बरसते हुए वो सभी छट गए और सारे पहाड़ पीड़ा के उम्मीद से कट गए। वो जो दीवार थी उसमें दर बन गया, तेरे कदमों में मुझको शरण मिल गई, दुख की जंजीर पैरों से फिर खुल गई, मुझको तू मिल गया, मुझको